Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए, मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल मसाला मैगी। बहुत से लोग अपने स्टाइल में बनाते हैं, मैं मेरे स्टाइल में बना के आज आपको दिखाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सब्जियां बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज की प्याज को बारीक छुंदा काट कर रखा है, उसके बराबर में है 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, उसके बराबर में है 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है बारीक कटा हुआ गाजर, उसके बराबर में है 1 कप मटर। मैंने 1 कप मटर लिए, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। वैसे आप सारी सब्जियां कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, या फिर स्किप करके आपकी चॉइस की जो भी सब्जियां आप वो ले सकते हैं। बराबर में वहां पीछे रखा है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो 5 मैगी के पैकेट्स। मेरे पास 3 बड़े टमाटर थे तो मैंने 3 बड़े टमाटरों की छील निकाल कर बारीक काटी है। आपके बड़े नहीं और मीडियम हो गए तो आप 4 लीजिएगा। बड़ी सी पतीली के अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और इसके अंदर ये जो प्याज बारीक कटी हुई है ये सारी डाल दीजिए और फास्ट आंच पर इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये कच्ची पक्की नहीं हो जाती। अच्छा, मैं यहाँ 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन डाल रही हूँ, आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कच्ची पक्की हो चुकी है प्याज, तो यहाँ पर सारी मैं धोई हुई और बारीक कटी हुई सब्जियां डाल रही हूँ। हल्की सी मैंने शिमला मिर्च साइड पर रख दी है। ये सारों को मिक्स कर दीजिए और तकरीबन 2-3 मिनट तक ये सब्जियों को पकने दीजिए, सो दैट सब्जियां कच्ची पक्की रहेंगी तो मजा आएगा ना आपको मैगी खाने में। अच्छा, यहाँ पर मेरे जो मटर है ये फ्रोजन है, इसके लिए मैंने सारी सब्जियां एक साथ डाली। आपके फ्रोजन मटर ना हो तो आप जब प्याज भून लेते हैं ना, कच्ची पक्की कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले मटर डाल दीजिए, उसे पूरी तरीके से गला लीजिए, उसके बाद सब्जियां बाकी वाली डालें और उसे 1 मिनट तक कच्ची पक्की फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके, उससे ज्यादा मैंने पकाया नहीं है सब्जियों को। अब यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है और इसे भी डालकर चला लेती हूँ और इसे तकरीबन तब तक भूनिए जब तक ये जो टमाटर है ये पूरी तरीके से नम नहीं हो जाते और इस तरीके से घुल नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक इन्हें पकाते रहिए। तकरीबन इसे भी 2 मिनट ही लगी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ साथ चूल्हे को कर दीजिए सबसे पहले तो स्लो आंच, उसके बाद मसाले डालिएगा। 3/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आप मिर्च का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं 2 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ। 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्लो आंच पर ये जो मसाले हमने डाले हैं इसे थोड़ा सा भून लीजिए। तकरीबन इसे भी 1 से 2 मिनट तक ही भूनिएगा। 2 मिनट जब हो जाती है तो जो मैगी का मसाला है ये सारों को काट कर इनमें डालते जाएं। इस तरीके से ये मसाला सारा डाल दे, मैंने 5 मैगी ली है तो मैं 5 मसाले डाल रही हूँ। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच, इसे एक बार चला लीजिए और अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो 1 मैगी के हिसाब से मैं तकरीबन हमेशा 3/4 कप डालती हूँ, तो यहाँ पर मैंने 5 मैगी ली है तो मैं तकरीबन 4.25 कप डाल रही हूँ। तो ये रहा 1 कप, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4.25। अब इसके अंदर एक बार चला लीजिए और इसमें फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए, यहाँ पर मैंने मैगी के पीसेस करके रखे हैं। अच्छा, यहाँ उबाल आ गया, एक बार मैंने चला लिया और ये जो मैगी के पीसेस मैंने करके रखे हैं ये सारी मैं डाल देती हूँ फास्ट आंच पर। इसे तकरीबन 2 मिनट तक ही पकने दीजिए। 2 मिनट मैं इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक जब हम करते हैं ना तो वो एकदम एक दूसरे में स्टिकी स्टिकी हो जाती है, और स्टिकी स्टिकी हो जाती है तो मज़ा नहीं आती है। मुझे तो पर्सनली मज़ा नहीं आती है मैगी वेजिटेबल उस तरीके से खाने के लिए। जब मैं वेजिटेबल मैगी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा है कि खुले खुले से जो हमारे मैगी रहे और वेजिटेबल भी एक एक करके मुँह में आए तो मज़ा आ जाए, है कि नहीं। अभी इसे बार बार बीच बीच में चलाते रहें, तकरीबन 2 मिनट तक इसे पकने दीजिए बार बार चलाते हुए। टेंशन मत लीजिए, वो आपको ऐसा लग रहा है कि घुल नहीं रहे, पानी कम लग रहा है, लेकिन डर के पानी मत डालिएगा। थोड़ी सी मैंने खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर भी डाल दी है। ये देखिए फास्ट आंच पर पक रही है और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, एकदम से बढ़िया सी मैगी पक चुकी है। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये देख सकते हैं आप खुले खुले से हमारी मैगी बनी है, मज़ेदार चटपटी एकदम।
कुछ मैगीज की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी वेजिटेबल मैगी, खाने के लिए रेडी है। बहुत ही मज़ेदार दिख भी रही है और आप देख सकते हैं खुले खुले से बनी है, सब्जियाँ भी खुली खुली से दिख भी रही हैं और इसका टेस्ट भी वैसा अच्छा आता है। अच्छा, अगर आपने मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालना है तो आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, जब आप प्याज काट कर डालते हैं तभी डाल दीजिएगा। तो है ना रेसिपी मजेदार, जरूर बनाइएगा और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ये वाली रेसिपी के। सो फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।